हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ्स ऑल फॉर्मूले। यहाँ हम जितने भी फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही इजी तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसे याद करना बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ये जो फॉर्मूले हम यहाँ आपको दे रहे हैं चैप्टर 8 से लेके 15 तक के हैं, और चैप्टर 1 से लेके 7 तक के जो फॉर्मूले हैं वो हमने पहले ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर वहाँ तक आपको पहुँचना तो एक कॉर्नर में एक आई बटन है, इसे दबाकर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या वीडियो के अंत में हम उनका लिंक दे देंगे, आप उन फॉर्मूलों तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ हम चैप्टर 8 से चैप्टर 15 तक के सारे फॉर्मूले फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक मीनिंग क्या, ये आप इसको पढ़ लीजिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जो टू साइड होती हैं उनके रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे 6 रेशियो बन सकते हैं, इसलिए इसके 6 रेशियोज होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। या जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर, जो छोटी दो साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें देखिए, जिधर एंगल होगा उसे हम बेस लेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा उसको हम हाइपोटेनियस लेंगे, और थीटा के सामने जो होगा उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हाइपोटेनियस को एच बोलेंगे, बेस को बी बोलेंगे, और परपेंडिकुलर को पी बोलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, एक बड़ा ही मज़ेदार ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम 14 फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। पी का मतलब पंडित, वी का मतलब बद्रीनाथ, पी का मतलब प्रसाद। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। और एक और तरीका है इसको लर्न करने का, वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से देखिए, जो नीचे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं वो आप बहुत ही इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे साइन है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर जो रेड वाला एरो है उस पर ध्यान दें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी अपॉन एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह देखिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेड वाले एरो पर देखिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नीचे वाले आ जाए, अब जो ये ब्लू कलर का एरो है उस पर देखें, कोट थीटा देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी नीचे से ऊपर की ओर। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जो ब्लू कलर का एरो है उसकी ओर। तो 6 हो गए। अब देखिए अगले जो 6 फॉर्मूले वो भी इसी से देखिए। साइन थीटा होता 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी इसके नीचे जो लिखा है। कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। इस तरह यहाँ पर देखिए, कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी इसी की हेल्प से आप ये 12 फॉर्मूले यहाँ पर हैं, और 2 फॉर्मूले और हैं वो हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे लास्ट में इसमें, तो वो भी आप इसी की सहायता से याद कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। देखिए ये जो टेबल है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, और इसको हम बड़ी आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है, जिसे आप लर्न करने में आपको इजी रहेगी। अब निकालने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे निकालना, सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 0, फिर लिखना है 1, और फिर लिखना है 2, यानी कि 4 तक आपको काउंटिंग कर लेनी है। कहाँ तक कर लेनी है, 4 तक आपको काउंटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो 4 तक इसकी जो है काउंटिंग करेंगे, 3 और ये 4, और जो लास्ट वाली डिजिट है उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है, ऐसे करके लास्ट वाली डिजिट से, ठीक है। तो आप पूरी टेबल जो है इसकी सहायता से बना सकते हैं। उसके बाद इन पे क्या करना, रूट लगा देना, ऐसे ये रूट लग गया, और इसको सोल्व कर लेना। अब देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसे सोल्व करेंगे देखिए, 2 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 3/√2, क्योंकि 3 ऐसे रहेगा, 4 का स्क्वायर √2, यहाँ देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ तक की वैल्यू हम अब इसकी सहायता से ही निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई साइन की वैल्यू। अब कोस के निकालने के लिए देखिए, इसको हम यहाँ लाकर उठा कर रख देंगे, यानी कि लास्ट वाले को शुरू में, और इस वाले को देखिए उठा के यहाँ रख देंगे,
और ये यहीं पे रहेगा, इसे उठा के यहाँ रख देंगे तो देखिए कॉस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जीरो वाला यहाँ गया। टेन के लिए अगर ना साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड करना, देखिए जीरो को हम वन से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, जब वन अपॉइंट टू को रूट थ्री अपॉइंट टू से डिवाइड करेंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा, इसी तरह से इसे डिवाइड करेंगे और लास्ट में देखिए वन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, वन को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये अपरिभाषित बोलते हैं इसको। अब इसके बाद देखिए कोट वाला आपको निकालने के लिए क्या करना, फिर वही काम करना जो लास्ट वाला है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, रूट थ्री वाले को ये रख दिया उठा के जैसे पहले किया था हमने, इसे उठा के आगे इस तरह से कोट वाला निकल जाएगा। सेक वाले के लिए जो कोस वाले पर ध्यान देंगे, कोस वाले को नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे कोस वाले को। देखिए यहाँ पर देखिए वन लिखा तो इसको पलटा तो वन का तो वन ही रहेगा, थ्री अपॉन रूट थ्री अपॉन टू का टू अपॉन रूट थ्री हो गया, वन अपॉन रूट टू का रूट टू अपॉन वन, वन को लिखते नहीं है अपॉन में, टू अपॉन वन को वन अपॉन टू को टू अपॉन वन, वन नीचे लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो वन है, इसको जब हम पलटेंगे तो वन अपॉन जीरो होगा, वन अपॉन जीरो होता है इनफाइनाइट, ठीक। कोसेक का कैसे निकालेंगे, या तो आप साइन वाले को पलट दीजिए यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, या जो अभी आपने सेक वाला निकाला है इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, बात एक ही। तो इस प्रकार से आप जो है सारी टेबल ये निकाल सकते हैं और आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वह ये भी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले वो भी देखिए इसी की सहायता से, ये हम पे ये हमने टेबल बनाई है जो नक्शा टाइप का बनाया है, इसको आप दिमाग में बसा लीजिए, इसकी हेल्प से जितने भी फॉर्मूले हैं बाकी टूर्नामेंट के सारे फॉर्मूले याद होने वाले हैं। इसको भी याद करने की हमने ट्रिक बनाई है, ये एक सेंटेंस आपको लर्न रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी, एड का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, सुगर का मतलब हो गया साइन और कोसेक पॉजिटिव, और देखिए टेन का मतलब हो गया, टू का मतलब हो गया टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, कॉफी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस में, ठीक है। बाकी जो बचे हैं यानी कि सिक्स रेशियोज होते हैं, यहाँ पर मैंने दो दो दिखाए हैं, बाकी सब माइनस में होंगे। और यहाँ पर देखिए इस पर ध्यान देंगे जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस पे एंगल आते हैं यानी कि 180 माइनस थीटा और 360, ये सब नो चेंज रहेंगे, और जो वर्टिकल है, ठीक है, 90 वाले और 270 वाले, ये सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चेंज कैसे होंगे, जैसे इधर देखिए एरो में लिखा साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसक में कोसक सेक में, ये चेंज होंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए 90 माइनस थीटा, तो सब 90 माइनस थीटा जो आ रहे हैं वो किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो देखिए एरो इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले देखते हैं, यहाँ देखिए फिर यहाँ पर हम आ गए हैं, तो यहाँ देखिए ये वाला क्या 360 प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सा आ रहा, 360 प्लस, और 360 वाले में क्या लिखा, नो चेंज, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना, साइन का साइन रहना, कोस का कोस रहना, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ठीक है। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है इसलिए राइट हैंड साइड में सबके जो साइन है वो प्लस है। अब यहीं पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये देखिए 90 प्लस थीटा, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से आएंगे, एक तो 90 प्लस आएगा और दूसरा आएगा 180 माइनस। तो 90 प्लस में जरा ध्यान देंगे, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव में, देखिए लेफ्ट में देखेंगे साइन लगाएंगे राइट में, तो लेफ्ट में क्या साइन और कोसेक ये दोनों प्लस में रहेंगे, देखिए प्लस चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सब कैसे रखने माइनस में। और 90 वाला क्या है, यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा, लिखा नहीं चेंज, तो चेंज कैसे होगा, देखिए ऊपर एरो लगा, साइन कोस कोस टेन, टेन कोट कोट टेन, सेक कोसेक कोसेक सेक, तो देखिए ये चेंज हो गया, साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। और प्लस क्यों लगा इसमें, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को प्लस में रखना, ठीक है, बाकी सब माइनस में रखने। अब यहीं पर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब आ गया ये 180 माइनस, तो 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि 180 में से कुछ माइनस करोगे सेकंड में आएगा, तो फिर वही काम देखिए, क्योंकि 180 माइनस है इसमें लिखा नो चेंज, तो नो चेंज यानी आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, साइन में देखिए क्या है, साइन और कोसेक देखिए ये दोनों प्लस में हैं, बाकी सब माइनस, दिख रहा होगा आपको, कोई चेंजिंग करना नहीं है। अब जाते हैं नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया है, अब देखिए क्वाड्रेंट आ गया है थर्ड, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो 180 प्लस आएगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और एक आएगा 270 माइनस, ये एरो से मैंने इंडिकेट किया है जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे हैं, जो 180 पे आएगा तो वो नो चेंज रहेगा, जो दो 270 पे है ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा चेंज, तो चेंज हो जाएगा,
कैसे चेंज होगा वो अभी आपको पहले ही हमने बता चुके हैं। देखिए साइन यहाँ पर क्या है, देखिए सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट, टैन और कोट को हमें पॉजिटिव रखना है, देखिए पॉजिटिव रखा, बाकी सब माइनस में रखनी है। यहाँ भी देखिए टैन और कोट को पॉजिटिव रखना है, रखे हमने पॉजिटिव, बाकी सब माइनस में। और 180 वाले देखिए कोई नो चेंज रहेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, दिख रहा है कोई चेंजिंग नहीं करा, लेकिन 270 वाले यहाँ लिखा चेंज इसलिए चेंज करा, इसमें साइन देखिए कोस में चेंज कर दिया, कोस साइन में, टैन कोट में चेंज कर दिया, कोट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक, अब देखते हैं, अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या घटना घटती है ये भी देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में थ्री टाइप के आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक तो 270 प्लस आएगा, दूसरा आएगा माइनस के थीटा, और तीसरा आएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखिए 270 प्लस वाले दिखाए हैं। यहाँ पर फिर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव रखने हैं हमने, कोस और सेक, तो कोस कहाँ है ये वाला, और सेक कौन सा ये वाला, ये दो पॉजिटिव रखने हैं। देखिए यहाँ पर प्लस रखा, इसके सामने वाला प्लस रखा, देखिए रखना देखना लेफ्ट में, साइन लिखना राइट में, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया, साइन कोस, कोस साइन, टैन कोट, कोट सेक, सेक कोसेक, कोसेक सेक, चेंज हो गए। ठीक है, दो पॉजिटिव रखें, बाकी सब माइनस में रखें, चेंज क्यों हुए, क्योंकि 270 वाले थे। और देखिए चेंज किस में होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक। ऊपर देखिए मैंने ये पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले लिखा है, इसमें की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, देखिए अब ये दो और बचे थे, ये अब हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 360 माइनस फोर्थ में आ रहा, और माइनस थीटा भी फोर्थ में आ रहा, तो यहाँ पर फिर वही देखिए कोस और देखिए सेक यहाँ पॉजिटिव रखें, बाकी सब हमने माइनस रखें, यहाँ देखिए कोस और सेक पॉजिटिव रखें, बाकी सब माइनस में रखें। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस पे है ये नो चेंज है, सारे के सारे देखिए कोई चेंजिंग हमने नहीं किया, क्योंकि ये माइनस थीटा और माइनस के 360 जो आ रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, इस पर लिखा है नो चेंज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गए हम, देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, थ्री आइडेंटिटी। और ये जो हमने दो फॉर्मूले विशेष फॉर्मूले जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा होता है आपको ये दोनों ही एक जगह दिए, इसका मैं सही से लिख देता हूँ, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको पलट देता हूँ। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने फिर सही कर दिया है, तो यहाँ पर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दो विशेष फॉर्मूला, तीन ये आइडेंटिटी बोलते हैं इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनकी हेल्प से ही प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के इतने ही फॉर्मूले क्लास टेंथ में है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी देखिए एक क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है, तो इसमें बस एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, इसी की सहायता से सारा चैप्टर पूरे का पूरा चैप्टर हो जाता है। इसमें ये जो होता है नीचे वाला, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले को, और इस वाले एंगल को हम बोलते हैं ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो लाइन होती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और जो एंगल ये होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंगल। बस इसी की हेल्प से पूरी हाइट एंड डिस्टेंस हो जाती है, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए बस वही टेन थीटा का यूज होता है मोस्टली, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसकी हेल्प से हम पूरा चैप्टर ये हो जाता है, चैप्टर नाइन। अब आते हैं चैप्टर टेन पे, चैप्टर टेन है सर्किल। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेसिक चीज़ें ये हमें पता होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। सर्किल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सच डैट इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब देखिए इसमें आपको था एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, जो छोटा वाला होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, ये वाला जो मैंने देखिए ये कर दिया पीला वाला, ये माइनर सेगमेंट कह रहा था, यानी कि जो कोड है उससे नीचे वाला जो छोटा वाला भाग हुआ उसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा वाला होगा देखिए वो कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसको कोड बोलते हैं। और जो देखिए नीचे वाली है ये, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो कहलाएगी ये जिस पर मैंने ये कहलाती है माइनर आर, और जो ऊपर वाली रह गई ये वाली जो है ये कहलाती है मेजर आर। ठीक है, और जो बीच वाली है ये लाइन, ये वाली लाइन जो ये मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसे बोलते हैं हम कोड। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये होता है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा वाला भाग है, ये वाला जो ट्रायंगल टाइप का, ये देखिए मैं येलो कर देता हूँ, ये जो भाग है ये कहलाता है माइनर सेक्टर, ये वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जिसको मैंने येलो कर दिया, ये भाग जो कहलाता है माइनर सेक्टर कहलाता है, छोटा वाला जो रेडियस टाइप का होता है, ट्रायंगल टाइप का होता है।
और जो ऊपर और बचा हुआ वो कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, कंसंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं। देखिए कंसंट्रिक सर्किल, जब दो या दो से अधिक सेंटर सर्किल का एक ही सेंटर हो तो उसे हम कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस में हो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। एक देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट होती है, जिस पॉइंट अगर कोई लाइन किसी सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है उसे टेंजेंट बोलते हैं, और इस पॉइंट से सर्किल पर कहीं और मिला देती है ये हो जाएगी कोण। ठीक है, और ये जो कोण के ऊपर वाला भाग होता है ये कहलाता है अल्टरनेट सेगमेंट, जो ब्लू वाला है इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, और ये जो कहलाता है एंगल टेंजेंट और कोण के बीच का एंगल कहलाता है, और अगर हम इधर ऐसे बना दें ये एंगल इस टाइप से तो ये कहलाएगा अल्टरनेट एरिया में बना हुआ एंगल। ठीक है, ये कहलाएगा कोण और टेंजेंट के बीच का एंगल, और ये कहलाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एरिया में बना एंगल। नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कोई भी टेंजेंट रेडियस के जिस पॉइंट पर टच करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी सर्कल को जहाँ टच करेगी उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उस पॉइंट से सेंटर तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये लिखा हमने रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है ऑन द टेंजेंट। ठीक है, और कोई लाइन अगर इसको क्रॉस करती हुई निकल जाए उसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। नेक्स्ट देखिए, ये एक थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, यानी किसी बाह्य पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक, नेक्स्ट है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 11। देखिए चैप्टर जो 11 है उसमें बस कुछ आपको इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना, अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जो फुल नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर करना है तो आप डालें डिजिटल गणित कंस्ट्रक्शन क्लास 10, तो वहाँ से आपको इसकी कंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएंगी, बहुत ही ईजी तरीके से हमने कराई है, 6 कंस्ट्रक्शन है और उसी में से हर बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना, एक तो डॉट लाइन, दूसरा डार्क लाइन और लाइट लाइन। तो डॉट लाइन तो एक्स्ट्रा का वर्क करते हैं हम, ठीक है, और जो डार्क लाइन है यानी जो क्वेश्चन में हमसे पूछा होगा उसको हम डार्क लाइन से दिखाते हैं आस्क इन क्वेश्चन। ठीक है, और जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ उसे हम जो है लाइट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो बस इन तीन बातों का आपको ध्यान रखना चैप्टर 11। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 12। देखिए इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर 12 और 13 में, तो इनको पहले अगर आपने अभी बेसिक हमने सर्किल वाला बताया था उसी के बेस पे है, एरिया ऑफ द पैरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर, तो एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब होता है ये जो पूरा भाग जो घिरा होता है अंदर की ओर, जैसे ये सर्कमफेरेंस के अंदर का पूरा भाग एरिया कहलाता है, और जो पेरीमीटर होता है ये बॉर्डर कहलाता है, केवल जो रेड आपको दिख रहा है ये क्या है केवल पेरीमीटर है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, इस सर्किल का हाफ, यानी सर्किल के एरिया को हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कहलाता है, ये सर्किल है पूरा ये सेमी सर्किल है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सर्किल, तो डायमीटर ऑफ सर्किल होता है वो रेडियस का डबल होता है। एरिया ऑफ रिंग, रिंग से मतलब है ये जो येलो भाग आपको दिख रहा है इसका एरिया, तो क्या होगा इसमें देखिए दो सर्किल बनना है, एक तो टोटल जिसकी रेडियस आर है, एक छोटा सर्किल जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो अगर हम बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल, तो हमें जो येलो भाग दिख रहा है उसका एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल है यहाँ पर ये स्मॉल आर है, बाहर वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल आर और जो अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, और एक यहाँ पर यह देखिए जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। सॉरी, अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। लेंथ ऑफ माइनर आर, ये जो आपको दिखाई दे रही है ए से बी तक ये वाली जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रही है, मैं दोबारा इस पर इंडिकेट कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं माइनर आर्क, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। और जो ऊपर वाली है ये जो ऊपर वाली है ये वाली यहाँ से, इसे नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको दे दीजिए सी, ए सी बी जो है ये मेजर आर्क कहलाती है। अगर हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है तो ये फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, तो यहाँ पे ये एंगल दिया होगा यहाँ पर रख देंगे तो हमें इस माइनर आर्क की लेंथ निकल जाएगी, इस वाली माइनर आर्क की। ठीक है, और अगर हमें लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी है तो सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क को माइनस कर देंगे, सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क को माइनस कर देंगे।
एरिया ऑफ माइनस एक्टर, यानी कि इस अगर येलो भाग का आपको एरिया निकालना तो ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इस सर्किल के एरिया में से माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाएगा, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट ये वाला कहलाता है जो आपको ये बैंगनी कलर का जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो कहलाता है माइनर सेक्टर कहलाता है, ठीक। और जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये कहलाता है मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट कौन सा कहलाएगा, जो बैंगनी वाला है, और मेजर सेगमेंट येलो वाला। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी इस ये वाला देखिए मैं इस पे कर रहा हूँ, ये कहलाता है माइनस सेक्टर, ये वाला जिस पे मैंने देखिए ये जो है ये ड्रा कर दिए, ये माइनस सेक्टर कहलाता है। इसमें से अगर हम ये राइट एंगल ये ट्रायंगल कहलाता, इस ट्रायंगल का अगर एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये माइनस सेगमेंट का एरिया निकल जाता है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, यानी कि जो पीला वाला भाग है येलो वाला भाग है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि ये जो बैंगनी कलर का है ये वाला माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर देखिए चैप्टर 13, इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं, तो इसको आपको समझ के अच्छे से फॉर्मूले लर्न करने। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वेन अ प्लेन शेप इज फोल्डेड इन टू कर्व फॉर्म सच एज स्फीयर सिलेंडर कोन, देन द एरिया ऑफ प्लेन शेप इज कॉल्ड सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अगर हम किसी प्लेन को मोड़कर उसे कोई कर्व शेप दे दें, ठीक है, तो जो कर्व शेप हो जाती है तो जो एरिया होता है उसका वही एरिया कहलाता है कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए द अमाउंट ऑफ अ स्पेस दैट द ऑब्जेक्ट टेक अप इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अर्थात वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी जितना अमाउंट, यानी द अमाउंट ऑफ स्पेस, वो स्पेस उसका अमाउंट द ऑब्जेक्ट टेक अप जो उसको घेरता है, उसको जितना भी ये ऑब्जेक्ट घेरता है वो इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा द वाटर फिल्ड इन अ ग्लास विल बी वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, यानी किसी ग्लास में अगर जो वाटर होगा वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, और ग्लास का जो भाग होगा बाहर वाला वो कहलाएगा उसका सरफेस। क्यूबोर्ड जो होता है उसमें देखिए 6 सरफेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 साइड होती है, 4 डायगोनल होते हैं, ये आपने अच्छे से पहली भी क्लासों में देखा होगा। नेक्स्ट है ये फॉर्मूला देखिए इसका, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबोर्ड, टोटल सरफेस में क्या होता है ये ऊपर और नीचे वाला पोर्शन भी आ जाता है, इसका फॉर्मूला 2lb plus bh plus khl, सरफेस ऑफ क्यूबोर्ड में क्या होता है 2l plus b into h, इसमें अप और डाउन यानी कि छत और फर्श ये नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड है lbh, डायगोनल ऑफ क्यूबोर्ड अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस kh स्क्वायर, l हाइट के लेंथ कहलाती है, b ब्रेथ और h हाइट। अब देखिए क्यूबोर्ड के सारे क्यूबोर्ड के फॉर्मूले याद हैं तो आप क्यूब के कर सकते हैं, एल बी एच के स्थान पे ए रख दें तो हमें क्यूब के फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूब यहाँ पे क्यूब लिखा जाएगा, क्यूबोर्ड लिखा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो देखिए जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं से हम जो है क्यूब के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, क्या करना हमें एल के स्थान पे, बी के स्थान पे और एच के स्थान पे, तीनों के स्थान पे ए रख देंगे। तो हमने देखिए ऊपर जितने फॉर्मूले सब में ए रख दिया, और जब इनको सॉल्व किया तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूब कितना आया 6a स्क्वायर, सरफेस ऑफ क्यूब कितना आया 4a स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो गया a क्यूब, और डायगोनल कितना हो गया a√3, जहाँ वेयर a साइड ऑफ क्यूब, a जो कहलाती है वो क्यूब साइड कहलाती है, ठीक है। सारे फॉर्मूले ऊपर वाले ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इस टाइप की फेस इसकी होती है सेप, और सर्कमफेरेंस सिलेंडर की होती है 2πr, एरिया ऑफ सर्कुलर हेड यानी कि जो ऊपर एरिया सर्कुलर भाग होता है उसका एरिया होता है πr², सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि चारों ओर का ये होता है 2πrh, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया में जो ऊपर वाला भाग है और नीचे की जो ये बॉटम है ये भी आ जाती है, इसका होता है 2πrh प्लस के 2πr², यानी कि इसमें जो एरिया होता है एक भाग का πr² होता है, नीचे भी πr² होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, इसलिए 2πr² इसमें और ऐड हो जाएगा, 2πr कॉमन ले लेंगे h प्लस के r, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h,
आर रेडियस होती है, एच हाइट होती है और पाई की वैल्यू, इनमें से जो भी आप सही समझें कैलकुलेशन के अनुसार यूज कर सकते हैं या जो क्वेश्चन में दी होगी वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, यानी कि खाली सिलेंडर है तो उसका एरिया और वॉल्यूम, एरिया ऑफ सर्कुलर हेड ऑफ होलो सिलेंडर ये होगा पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, यानी कि ये वाला भाग इसका जो एरिया होगा, मैंने देखिए यहाँ पर दिखा दिया, ये वाला अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाई आर वन स्क्वायर माइनस के पाई आर टू स्क्वायर, यानी बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे, पाई बाहर ले लिया। सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर वाला एक ये वाला प्लस इंटरनल, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये वाला बाहर वाला और अंदर वाला ऐसे ही नीचे, क्या होगा टू पाई आर वन एच प्लस टू पाई आर टू एच, टू पाई कॉमन ले लेंगे, आर वन प्लस आर टू इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर हेड, देखिए यार सर्कुलर हेड का जो एरिया वो ये है, अब चूंकि ऐसा ही सर्कुलर हेड इस साइड में भी बना है तो टू और लगा देंगे यहाँ पे इंटू में, देखिए सरफेस एरिया ये था अभी हमने ऊपर निकाला था, ये सरफेस एरिया था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और टोटल है ये क्या है, ये वन साइड का, तो टू साइड के लिए यहाँ पर देखिए टू लगा दिया। अब इसमें क्या करा हमने, सॉल्व कर लिया इसको, टू पाई कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू होता है, आर वन प्लस आर टू, आर वन माइनस आर टू, सोल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब इसके ये वाला, ये अंदर का भाग तो खाली है, ये वॉल्यूम निकालना बस इसके अंदर, ऐसे इधर भी पट्टी होगी, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर एच माइनस के पाई आर टू स्क्वायर एच, या ये इस रूप में भी लर्न कर सकते हैं, आर वन रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, आर टू रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, एच हाइट और पाई की वैल्यू ये है। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन की शेप इस टाइप की होती है, ये रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, ये आप अच्छे से इसको लर्न कर लें, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही है राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको बताया था। एरिया ऑफ सर्कुलर हेड यही होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन वही होता है जो सिलेंडर में आपने देखा था, सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल, एल जो होती है वो स्लेंट हाइट कहलाती है, टोटल सरफेस एरिया में ये नीचे का पोर्शन और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये और प्लस कर देंगे इसके अंदर, पाई आर कॉमन ले लिया, ये आ गया वॉल्यूम का जो इसका जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का वन थर्ड होता है, ठीक है, तो ये हो गया वन पॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस होती है, एच हाइट होती है, एल स्लेंट हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, फॉर्मूला भूलने पर ही ये क्वेश्चन छूट जाता है, तो फॉर्मूला इसको अच्छे से देख लें। एक तो ये है कि स्लेंट हाइट जो होती है ये वाली, ये होती है एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, देखिए ये आर टू है, ये आर वन है, यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डेरा करते हैं ऐसे तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर वन माइनस आर टू हो जाएगी, तो आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इसके अंदर तो ये निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये एच है तो इसके सामने वाली भी एल हो गई, ठीक है, एच हो गई, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस के, ये हो गई इसका बेस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर हेड होता है पाई आर वन स्क्वायर एंड पाई आर टू स्क्वायर, ये ऊपर भी सर्कुलर होता है नीचे भी सर्कुलर होता है, सर्कमफ्रेंस टू पाई आर वन एंड टू पाई, ऊपर वाली सर्कमफ्रेंस ये वाली छोटी वाली ये ग्लास के आकार का होता है जैसा ग्लास होता है टू पाई आर वन, और जो छोटा वाला बड़ा वाला होता है उसका टू पाई, छोटे वाले का टू पाई आर वन, बड़ा वाला जो है सॉरी बड़े वाले का टू पाई आर वन जिसकी रेडियस आर वन है, बड़ा वाला पोर्सन सर्किल, और जो छोटा पोर्सन है उसका सर्कमफ्रेंस है टू पाई आर टू। सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कि इसे बोलते हैं जो इस टाइप का होता है जो कोन का जो ऊपरी पोर्शन है उसे काट के अलग कर दें तो ये जो कहलाता है सरफेस फ्रस्टम कहलाता है, कहलाता है फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ये होता है पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, ठीक है, जैसे वहाँ पर पाई आर एल होता है तो आर की जगह आर वन प्लस आर टू लग जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो दिस प्लस ये वाला, दिस प्लस दिस, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, देखिए ये वाला इसका फॉर्मूला बन गया। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ये होता है वन पॉइंट थ्री पाई आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर वन आर टू इंटू एच, आर वन आर टू रेडियस ऑफ फ्रस्टम, एच हाइट, एल स्लेंट हाइट और पाई ये होता है। नेक्स्ट है अब देखिए स्फेयर, स्फेयर हेमी स्फेयर एंड स्फेरिकल सेल, स्फेयर वो होता है जैसे फुटबॉल टाइप की, हेमी स्फेयर क्या होगा उसका हाफ, ठीक है, और स्फेरिकल सेल वो होगा खोखला। तो देखिए जो स्फेयर होता है जैसा कि ये फिगर यहाँ पर दी हुई है ये फुटबॉल टाइप की, क्योंकि फुटबॉल ऐसा बन नहीं सकती, तो
सर्किल जैसी लग रही है, लेकिन यह है फुटबॉल के आकार की। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर आप जरा ध्यान देंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये है, तो हेमी स्फीयर का क्या हो जाता है, इसमें ये चीज और जुड़ जाती है, 2 पाई आर स्क्वायर होगा प्लस ये वाला, और वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका हाफ हो जाएगा, सिलेंडर उसका जो स्फीयर होगा उसका हाफ हो जाएगा हेमी स्फीयर का। थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल, और ये वाली हमें थिकनेस निकालनी है, ये थिकनेस कहलाती है, तो आर वन में से आर टू माइनस कर देंगे, ये थिकनेस कहलाएगी। कर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, तो कर सरफेस बाहर वाला कितना होगा 4 पाई आर1 स्क्वायर, अंदर वाला 4 पाई आर2 स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल निकालने के लिए बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, आर वन वाले में से आर टू वाला, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट है, अब देखिए कटोरा टाइप का हो, ठीक है, इसे हेमी स्फेरिकल सेल बोलते हैं, जैसा आपने कटोरा देखा होगा उस टाइप का। तो अब इसका क्या थिकनेस ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल, आर वन माइनस आर टू, ये वाली थिकनेस, ये जो कहलाती है थिकनेस कहलाती है, ये जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो है थिकनेस कहलाती है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल, तो इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए चूंकि ये हाफ स्फेयर है तो 2 पाई आर1 स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर2 स्क्वायर, क्योंकि पूरे का जो होता है वो 4 पाई होता है, हाफ का हो जाएगा 2 पाई आर1 स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ये कि बाहर वाला प्लस अंदर वाला, ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया में ये और जुड़ जाएगी, इसका ये जो रिंग है ये और जुड़ जाएगा, ये रिंग का जो एरिया होता है ये तो हो गया ये वाला, देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर1 स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर2 स्क्वायर, ये वाला ये हो गया, यानी दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये आ गया, और जो ये वाली है ये इसका एरिया होगा इस वाले का, ये जो पट्टी है, ठीक है, रिंग है, इसका जो एरिया होगा वो ये होगा, दोनों को प्लस कर दिया सोलर का, ये आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूले के रूप में आपको लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल, बाहर वाले एरिया वॉल्यूम में से जो अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये येलो सॉरी ब्लू कलर का, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है, ये कैसे निकलेगा, टोटल में से ये वाला अंदर वाला माइनस कर देंगे, ये वाला ये ब्लू वाला छोड़ के जो पट्टी वाले भाग है ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल, जो ब्लू भाग है इसे हटा देंगे, ब्लू वाला भाग नहीं, ब्लू वाला भाग को माइनस कर देंगे किस में से, टोटल में से, तो बाहर वाला टोटल एरिया है, टोटल वॉल्यूम है इसका 2/3 पाई आर1 क्यूब, और जो ये ब्लू वाला भाग है जो इसका उसका वॉल्यूम है ये 2/3 पाई आर1 क्यूब, ये माइनस कर दिया तो किसका रह गया, जो ये पट्टी बनी है इसका वॉल्यूम नीचे तक का, जो ये जो कहलाएगा ये वॉल्यूम कहलाएगा पूरा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर, स्टेटिस मीन डाटा अनग्रुप, जब डाटा अनग्रुप हो तो उसका फॉर्मूला है मीन का सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन सब का टोटल अपॉन एन, व्हेन डाटा अनग्रुप व्हाट इन टेबलर फॉर्म, अनग्रुप हो डाटा लेकिन टेबलर फॉर्म में दे रखा हो तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, एक्स जो कहलाता है स्टेप वैल्यू और एफ कहलाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद होने से ही ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मीन होता है ए इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन डी, ये जो वैन डाटा इस ग्रुप ये कहलाता है डेविएशन मेथड, ठीक है, ये भी आ जाता है लिखा हुआ कि आप इस क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से करिए, ए प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, ए जो होता है मिड टर्म कहलाता है, एफ फ्रिक्वेंसी, डी डेविएशन, वैन डाटा इज ग्रुप्ड स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड, इसको जाना जाता है स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस के सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू एच, एच होता है इंटरवल, यू होता है डी अपॉन एच, ठीक है, और ये क्या क्या होते हैं ये मैंने देखिए क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बताया, आप इसमें देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें एच तो होता है इनका जो अंतर होता है वो एच कहलाता है, और जो मीन होता है एक्स होता है इसका जो बीच वाला टर्म होता है वो ए होता है, ठीक है, और सिग्मा एफ क्या होता है एफ का जो टोटल होता है उसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं, डी क्या होता है जब हम बीच वाले टर्म को सब में से माइनस कर देते हैं तो वो डी कहलाता है, और डी को हम एच से यानी इनका जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं, या ये देखिए इसमें सब में जो कॉमन होता है उसे एच कहते हैं, उससे डिवाइड करने के बाद यू हो जाता है, फिर इसमें देखिए अगर एफ एक्स निकालते हैं तो सिंपल वाले मेथड हो गया पहले वाला, और डी निकालते हैं तो ये मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड, एफ और डी की मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप एफ और यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेथड कहलाता है स्टेप डिवीजन मेथड या शॉर्टकट मेथड, ठीक
ठीक है, इन सब के टोटल के लिए हम सिग्मा लगा देते हैं। तो जिस मेथड से आपको पूछा उससे आप कर देंगे, ठीक है। अगर हमें सिंपल तरीके से निकालना तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, और डेविस मेथड से निकालना तो सिग्मा एफ डी, और अगर हमें शॉर्ट कैटर मेथड से स्टेप डेविसन मेथड से निकालना तो सिग्मा एफ यू, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूले को हम लगा देंगे। नेक्स्ट है मोड, यानी कि देखिए मोड क्या होता है। जो द टर्म विच अक्योर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मोड, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है यानी रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं, और मोड निकालने का ये फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो ये वाली है, तो इसका ये कहलाता है क्लास। इसमें जो ये है लोअर, यानी कि जो क्लास इंटरवल है उसकी निम्न सीमा, लोअर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, क्या कहलाता है एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। एफ वन क्या कहता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो एफ वन कहलाएगी। एफ जीरो मॉडल क्लास से पहली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी। एफ टू क्या है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी। एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, इनका जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है एच। देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 है, तो एच बराबर हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वहीं से वो कहलाती है क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने वाला जो इंटरवल होगा वो कहलाएगा मॉडल क्लास। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए ये आ गया आपके पास, ये मीडियन, मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। राइटिंग द गिवन टर्म इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडिल टर्म इज कॉल्ड मीडियन, यानी कि जो नंबर हमें दे रखे हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और लिखने के बाद जो बीच वाला टर्म होता है ठीक बीच वाला उसे हम कहते हैं मीडियन। और मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, अगर एन ओड है तो मीडियन का फॉर्मूला एन अपॉन टू प्लस वन टर्म, और अगर एन इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला एन अपॉन टू टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन, ये फॉर्मूला इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक ये है फॉर्मूला, अगर टेबलर फॉर्म में दे रखा है तो मीडियन आप इसकी हेल्प से निकालेंगे, एल प्लस के एन अपॉन टू माइनस के सी एफ, सी एफ का मतलब कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इन टू एच। एल क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पर पहले हम इन सबका देखिए जो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है इनका टोटल करते हैं, 19 आ रहा, और 19 का जस्ट हाफ हम करते हैं तो कितना आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट नहीं कुछ कम आएगा, 9.2 9.5 आएगा, और 9.5 किस में आ रहा है, 13 में आ रहा। तो ये कहलाता है एल, एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास कहलाएगी। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एन के कहलाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें टोटल कितना था इतना, ये एन कहलाएगा 19। एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये एफ कहलाइए फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये वाली। अब एच क्या, क्लास साइज, एच जो कहलाता है वो क्लास साइज कहलाता है। सी एफ कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, इससे पहले कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, उससे पहले वाली। अब रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड, ये आपस में इसमें रिलेशन है, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी यह है इसका, यहाँ पर मीडियन क्लास ये कहलाता है एफ, ठीक है। और सी एफ जो कहलाता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले जो होता है, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका जो क्लास होता है उससे पहले, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, जो मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाला, ठीक है, इसको नोट सही कर लें। तो एफ क्या होगा फ्रीक्वेंसी ये वाला, कि ये नहीं होगा, ये वाला होता है। अब नेक्स्ट देखिए चैप्टर, यानी कि लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान चैप्टर है ये, और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एक ही फॉर्मूला है इसमें, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस को हम बोलते हैं एनी, और टोटल केस को बोलते हैं एनएस। ई कहलाता है इवेंट, एस होता है सैम्पल स्पेस, और एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, यानी इवेंट में नंबर की संख्या, और एनएस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सैम्पल स्पेस। जैसे अगर हम किसी कॉइन को थ्रो करें तो हम कहें कि हेड आना चाहिए, तो हेड जो कहलाएगी वो इवेंट कहलाएगी, यानी कि एनी बराबर 1 हो जाएगा,
और सैंपल स्पेस में जो टोटल इवेंट होती है उन्हें सैंपल स्पेस बोलते हैं। टोटल इवेंट क्या हो गया, हेड और टेल, तो दो दो हो जाएंगे, तो सैंपल स्पेस का दो हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/2। ये आपको माइंड माइंड में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो पैक ऑफ कार्ड होता है, यानी पैक ऑफ कार्ड, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। और उन 26 में क्या होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट्स के होते हैं, जो रेड वाले होते हैं 13 डायमंड और 13 हार्ट, और जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें 13 जो होते हैं ब्लैक और 13 ही ब्लैक होते हैं, 13 जो ब्लैक होते हैं स्पैड्स और 13 जो होते हैं वो क्लब्स के होते हैं, और जो 13 डायमंड होते हैं उसमें जो 9 होते हैं वो सिंपल कार्ड होते हैं, और जो 4 होते हैं वो स्पेशल कार्ड होते हैं, और स्पेशल कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन, किंग और एस, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हट में भी जो 13 कार्ड होंगे, 9 सिंपल कार्ड होंगे, 4 स्पेशल कार्ड। स्पेशल कार्ड कौन से होंगे, जैक क्वीन किंग और एस, बिल्कुल ऐसे स्पेड में भी और बिल्कुल क्लब में भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। और जो सिंपल कार्ड होते हैं वो 2 से लेकर 10 तक होते हैं, और जो स्पेशल कार्ड होते हैं वो होते हैं JK JQ KA। जे का मतलब हो गया जैक, क्यू का मतलब क्यून, के का मतलब किंग और ए का मतलब एस। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने चैप्टर 8 से लेके 15 तक के फॉर्मूले दे दिए हैं, और चैप्टर 1 से लेके 7 तक के जो फॉर्मूले वो हम पहले ही आपको दे चुके हैं, हमने बताया था। या तो आप यहाँ कॉर्नर में आई बटन है उसको दबा दीजिए तो वही पहुँच जाएंगे, या वीडियो के जैसे ही आप वीडियो फिनिश होगी ऊपर एक पिक्चर आ जाएगी, आप उस पर क्लिक कर दें तो भी उन फॉर्मूलों तक पहुंच जाएंगे, या आप इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां तक भी उन फॉर्मूलों तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कई एड्रेस आपको वहां के दे दिए हैं, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से हमसे कह दें तो हम वहां से आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप इन सारे फॉर्मूलों की जो है अपनी एक नोट्स बना लें और उनको रोज़ लर्न करें, जिससे एग्जाम तक बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।